नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी नाइन्थ क्लास के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें कि हम पढ़ रहे हैं मेरे बचपन के दिन। आप सब लोग भी शायद ये सुनते सुनते पक गए होंगे अब तो कि सर बचपन बचपन देखा होंगे। लेसन बहुत आलिशान पत्र क्या बहुत प्यारा लेसन है मेरे बचपन के दिन। लेखिका है महादेव वर्मा। इनका जन्म आप जानते हैं कब, 1907, मृत्यु 1987, ध्यान इस बात का। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा का जो लेख है, इस लेख में ये अपने बचपन के बारे में बता चुकी है, मिशनरी स्कूल, उसके बाद क्रॉस वेट स्कूल है वहां पे पढ़ती हैं, वहां मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ये जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान से मिलती हैं और चौहान साहब ने क्या किया, इनका हाथ पकड़ के पूरे हॉस्टल में घुमा दिया कि ये तो कविता लिखती हैं, चुपारोस्तम है, बहुत अच्छी विद्यार्थी हैं ये। और उस जमाने में कविता लिखना ना थोड़ा सा अलग माना जाता था, जिसे गणित आजकल तो सब कुछ ओपन है तो था तो अच्छा कर, लेकिन है ना ये छोटा काम मानते थे, लोग गलत मानते थे। तो ऐसे में ये दोनों मित्र हो गई हैं और पास में बगीचे में पेड़ था, उस पेड़ की एक नीची डाल बैठकर लोग दोनों कविताएं करते थे, बातचीत करते थे, तुकबंदी करते थे। उसी समय फिर यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ। कौन सम्मेलन हुआ? कवि सम्मेलन। कवि कमल बड़े बड़े महान कवि आते थे उस जमाने में। आज के जितना ये मीडिया या यूं कहें सोशल साइट्स नहीं थी, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह, ये मान के चलिए कलर टीवी तक नहीं था, कलर छोड़ो ब्लैक एंड व्हाइट, 1917 के समथिंग मीटर की बात है ये, 10-12 साल के रहते मानो पांचवी क्लास में माध्यम पढ़ रही है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि फिर 1907 में जन्म हुआ तो 10-12 साल की तो हुई है, तो इसका मतलब ये उस समय है ना भारत में इतनी तकनीक नहीं विकसित हुई थी, तो उस समय जो कागज लिखना और भाषा का बहुत बड़ा महत्व था, जिसको हिंदी के साथ समझो बहुत बड़ा मास्टर हो गया अपने आप में, है ना। तो ये उस समय की बात है। तो उस जमाने में कुछ कवि आए तो वो कविता करते थे, है ना, ऐसे बोल बोलते कविता बोलते थे, लिखते थे, है ना, बिना देखे। अब आजकल तो किसी को कीजिए, कोई भी नेता अभिनेता कुछ भी हो, ये बड़े बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेस होते हैं ना, इनको बिना स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, दिन भर रटते हैं उसको, तब जाके सामने लिखी होती है, वो हमको नहीं लिखती, उनको दिखती है, उसको देख के वो डायलॉग्स बोलते हैं। क्या ये टैलेंट है उनका? देखिए उससे अच्छा तो आपके अंदर टैलेंट है ना, वेरी गुड। आप वो सब पढ़ते हैं फिर जाके बिना देखे एग्जाम में लेके आते हैं कॉपी में। हाँ, ये मत करना कि देख के लिखो, नहीं देख के लिखोगे तो फिर वो देख लेंगे आपको कौन, पुलिस वाले, है ना, ध्यान रखें। कि कवि सम्मेलन तो वहां बड़े बड़े महान कवि साहित्यकार आते और वो उस टाइम माइक भी नहीं था, ऐसे ही जनसे में बैठते और वो अपनी आवाज में कविताएं रचते, बोलते, हंसते, हंसाते, गुदगुदाते। तो ये चीज जो फिर से कहते हैं कवि सम्मेलन आज भी होता है। तो कवि सम्मेलन देखो, आज कवि सम्मेलन का रुख बिगड़ चुका है। आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, टीवी पे देख लेना कि कवि सम्मेलन में सभ्य लोग होते हैं, वो अपनी कविता के मर्म से, अपने कविता के शब्दों से बहुत कम लोगों को कर पाते हैं, हंसा पाते हैं। आजकल कवि सम्मेलन कैसा होता है, हंसी मजाक, पति पत्नी के, भाई बहन के जोक्स लेकर के, अनाप शनाप, उन्हें कोई जोक्स बना के वो कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में कविताएं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, उनकी भाषा में ऐसे शब्द आने चाहिए जिनको सुनकर वही वाह कितना प्यारा सब बोला है इन्होंने। लेकिन आजकल कवि सम्मेलन बस वाही वाही लूटने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, तो कुछ नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग भी वहां जाने लगे। हम लोग कौन, यहाँ पे महादेव वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लोग वहाँ पे जाने लगे और इन्हें आनंद लगा, कविता क्या होती है, हम भी कविता कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, ऐसा मानस हुआ। ठीक है, हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। देखिए उस समय पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भाषाएं बोल लेती थी, संस्कृत अच्छी थी उस समय और हिंदी का धीरे धीरे लोग जान पहचान कर रहे थे। तो हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, मतलब लोग धीरे धीरे हिंदी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, समझते थे। बाकी है, मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, कौन मैं बात कर रहे हैं, महादेव वर्मा की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये आई वहां पे क्या हुआ, फिर यहाँ गांधी जी का सत्याग्रह जो हुआ था, गांधी को 1917 में हुआ था, तो वो उस समय हो गया। और इनका जो हॉस्टल था उसके आसपास ही एक बिल्डिंग आई है, इसके वीडियो में देखेंगे। तो उस बिल्डिंग में गांधी जी ने अपना वो केंद्र बना लिया और वहां पे अध्ययन की, क्योंकि उस समय स्वतंत्र संग्राम जो था बहुत जोरों पर चल रहा था,
प्यारे विद्यार्थी, हम देख रहे हैं कि महादेव वर्मा ने कैसे कैसे अपने जीवन को कितने अच्छे मोड़ पे लेके आए हैं। ऐसा नहीं कोई गलत हरकत सीखी हो, बच्चों जैसे कोई काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, इस प्रकार का मैं है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।